दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में आके कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बन पा रही। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बौखलाहट सामने आई। उन्होंने मेरी बातों का जवाब तो नहीं दिया, मैंने जो प्रश्न उनसे उठाए थे उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे नमूना कहा। अपने चेहरे पर बेशर्मी ओढ़े हुए वे लोग आकर के यहाँ पर आकर के कोई जरूर वक्तव्य दे करके किस प्रकार की बातें करते हैं। आपने 9 FIR भी कराई, मेरा कार्यालय भी बंद करा दिया, आज मुझे नमूना आप कह रहे हैं। जिस प्रदेश की व्यवस्था इतनी बदहाल हो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछने पे वो नमूना कह के बौखलाहट में मुद्दों को टालने की कोशिश करता है। महोदय, अगर मैं आंकड़े प्रस्तुत करूं उत्तर प्रदेश की भी और देश के प्रमुख राज्यों की, दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में आके कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बन पा रही है। यानी जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करके वहां से जबरन वहां से भगाया, बेशर्मी के साथ अपने चेहरे पर बेशर्मी ओढ़े हुए वे लोग आकर के यहां पर आकर के ऊल जलूल वक्तव्य दे करके किस प्रकार की बातें करते हैं। दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है, बेशर्मी के साथ अपने चेहरे पर बेशर्मी ओढ़े हुए वे लोग आकर के यहां पर आकर के ऊल जलूल वक्तव्य दे करके किस प्रकार की बातें करते हैं। दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है, बेशर्मी के साथ अपने चेहरे पर बेशर्मी ओढ़े हुए वे लोग आकर के यहां पर आकर के ऊल जलूल वक्तव्य दे करके किस प्रकार की बातें करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बौखलाहट सामने आई। उन्होंने मेरी बातों का जवाब तो नहीं दिया, मैंने जो प्रश्न उनसे उठाए थे उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे नमूना कहा। योगी जी, अगर ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को मुद्दा बनाना नमूना है तो आप मुझे नमूना कह सकते हैं। अगर मौर्य समाज पर हो रहे अत्याचार, पाल समाज पर हो रहे अत्याचार, राजभर समाज पर हो रहे अत्याचार, यादव है, लोध है, कुर्मी है, जाटव है, सोनकर है, वाल्मीकि है, जाट है, नाई है, बढ़ई है, विश्वकर्मा है, प्रजापति है, अगर उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में ये पैदा हो रहा है, ये उनके मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, ये मुद्दा उठाना अगर नमूना आपको लगता है तो आप मुझे नमूना कहिए, जेल में भेजिए, गिरफ्तारी कराइए, जो मन में आए कीजिए। आपने 9 FIR भी कराई, मेरा कार्यालय भी बंद करा दिया, आज मुझे नमूना आप कह रहे हैं, आप कहिए, लेकिन मेरी बातों का जवाब दीजिए कि 12वीं में पढ़ने वाले प्रभात मिश्रा की हत्या क्यों हुई, खुशी दुबे अभी भी जेल में क्यों सड़ रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर हत्या की, लूट की, डकैती की, बलात्कार की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, विक्रम जोशी का कांड हो, चाहे संजीत यादव का कांड हो, चाहे ब्रजेश पाल का कांड हो, चाहे लखीमपुर खीरी का कांड हो, भदोही का कांड हो, 8 पुलिस के जवान मारे जाए, जिस प्रदेश की व्यवस्था इतनी बदहाल हो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछने पे वो नमूना कह के बौखलाहट में मुद्दों को टालने की कोशिश करता है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आपको मेरी बातों का जवाब देना होगा योगी जी। आप नमूना कह के या बौखलाहट में बयान देके मेरे मुद्दे नहीं भटका सकते। जय हिंद।